पंचकुला नगर निगम के पिंजौर जोन के गणेशपुर भौरिया गांव में अवैध रूप से किए गए काफी निर्माणों को रविवार को पंचकुला नगर निगम योजनाकार विभाग के अधिकारी जेपी शाखा के डीटीपी की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा गिराए गए। उनके साथ कालका के नायब तहसीलदार मैडम भारती और पिंजौर के थाना प्रबंधक राजकुमार पुलिस फोर्स के साथ पूरे बंदोबस्त के साथ यहाँ मौजूद थे। यहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्यवाही का विरोध किया और प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि प्रशासन की तरफ से उन्हें इस कार्यवाही का कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। आज की कार्रवाई किन किन उन पे हो रही है? पहली फेरी एक कंट्रोल एक्ट की वायलेशन में जिन लोगों का स्ट्रक्चर बना रखी है, चार दीवारी मोड़ गिराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सर, लोगों की इसमें आपत्ति है कि उनको नोटिस नहीं मिले? नोटिस प्रॉपर सबको दिए हुए हैं, ये एक उनका कॉमन बन गया एजिटेशन करने के लिए नोटिस की बात उठा रहे हैं। लोगों द्वारा प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाया गया कि ये कार्यवाही केवल गरीब लोगों पर ही हो रही है। सरकार के चहेते लोगों के अवैध निर्माणों को प्रशासन द्वारा हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। गरीब आदमी के लिए हो रही है, अमीर के लिए कोई पंजा नहीं है इनका, और सरकार इनको मिटाने पे लगी, गरीबों को मिटाने पे लगी हुई है। जो कुछ अवैध निर्माण है वो छोड़े भी गए हैं बीच में? बीच में सारे छोड़ेंगे, जो पैसे उनके छोड़ दिए, जो गरीब आदमी उसका ढा दिया गया। इस कजाना रोड के ऊपर आज जो प्रशासन की गाड़ियां आई और विद पुलिस फोर्स के साथ आई है और यहां पर पूरी तोड़फोड़ की, ना तो प्रशासन ने किसी तरह का यहां किसी को नोटिस दिया, और जो बड़े बड़े लोग थे, जिनके बड़े बड़े इन्फ्लुएंस प्रभावशाली लोग थे, उनके गेट के आगे तक इन्होंने गाड़ियां तक नहीं रोकी, लेकिन जो गरीब आदमियों के छोटे छोटे प्लॉट थे या किसी ने जानवरों से कोई अपनी बाउंड्री बाढ़ कर रखी थी, उसको इन्होंने घेरने का काम किया है। ये प्रशासन और सरकार हमारे हल्का कालका के एकदम पीछे पड़ी हुई है और गरीब लोगों का दमन करने पर लगी हुई है। लेकिन आज यहाँ पे जितने भी लोकल लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक स्वर में इस सरकार का और जिला प्रशासन का पूरा जोर विरोध किया है कि यदि पिक एंड चूज की पॉलिसी सरकार रखती है कि अपने चहेतों को फायदा देती है और गरीब आदमियों के प्लाट तोड़ती है, तो इसमें सरकार की नाकामी और इस सरकार के ऊपर लानत है। क्षेत्र के लोगों की तरफ से वो सभी कहते हैं कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, और जो सरकार ने अगर अगली बार यहाँ भेजने का काम किया तो इस क्षेत्र के सभी लोग मरने और मारने के लिए हर तरफ से तैयार बैठे हैं, क्योंकि छोटी छोटी कमाई इकट्ठी करके उन्होंने अपने जो छोटा मोटा मकान बनाया, यदि सरकार उसको घेरेगी, गरीब के पेट पे लात मारेगी, तो गरीब आदमी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं इस दौरान अधिकारी से बात करते समय लोगों ने चल रही जेसीबी मशीन को रोकने की कोशिश की, परंतु पुलिस बल द्वारा उन्हें रोक लिया गया। पिंजौर ब्लॉक से कैमरामैन धर्मपाल राणा के साथ सचिन सान्याल की रिपोर्ट।